Question number 11 answer is 2 and among the given options only the metal aluminium reacts with NaOH gives AlOH whole 3 plus hydrogen, hydrogen escapes from the system and AlOH whole 3 is available in the form of white gelatinous precipitate which reacts with excess NaOH to give you that soluble complex here this is soluble complex and it meets the requirement that is given in the question and aloh3 that is compound x this is the compound x and this is the compound x whenever it is strongly heated producing al2o3 as a product and which is used in the chromatography as an adsorbent. so only the aluminum metal that satisfies the all conditions required conditions given in the question so the answer is 2 question number 12 दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मोलिकूलरबल थ्योरी अकॉर्डिंग टू एम ओ टी विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी वाइल मॉलिक्यूल जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है स्टेबल नहीं है इस तरह के मॉलिक्यूल्स को पहचानना है जैसे पहला मॉलिक्यूल है एच ई टू प्लस अगर इसका हम एमओ डायग्राम बनाएंगे तो इससे क्लियर होता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की कैलकुलेशन से हाफ बॉन्ड ऑर्डर इसका मिलेगा दो बॉन्डिंग में एक एक एंटी बॉन्डिंग में सेम ऐसे यहाँ पर भी इसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ मिलेगा इसके अंदर अगर देखें तो h और h की कॉम्बिनेशन जब मैंने h22- बनाया उसमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल आ रहे हैं ऐसा होने से इसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो आएगा जबकि यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है इस बात से क्लियर हुआ कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है दैट मींस आंसर इज 3 आंसर 3 क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ Four different amines are given and order of basic strength is asked. If we look at option A, the nitrogen is sp3 hybrid and primary. In option D also there is nitrogen which is sp3 hybrid, लेकिन ये two degree है. इस पर ज़्यादा donor है, तो ये इससे ज़्यादा basic होगा. Option B में जो nitrogen है, वो sp2 hybrid होने की वजह से more electronegative है और less basic होगा. ऑप्शन सी में नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करके दूसरे नाइट्रोजन पर पार्शल नेगेटिव चार्ज जनरेट कर रहा है इसलिए ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया सी सबसे ज़्यादा उसके बाद डी उसके बाद ए और सबसे कम बी एंड इट इज गिवन इन ऑप्शन टू सो ऑप्शन टू इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विस टाइप ऑफ डिफेक्ट हैज प्रजेंट्स कैटाइन इन इंटेस्टिशियल वर्ल्ड्स तो हम सबको बताए जैसे हम शॉर्ट की डिफेक्ट की बात करें शॉर्ट की डिफेक्ट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आयन क्रिस्टल छोड़कर पूरे बाहर चले जाते हैं जबकि हमसे पूछा हुआ है कि कौन से डिफेक्ट में कैटाइन इंटेस्टिशियल साइट में आएगा तो कौन सा डिफेक्ट होता है फ्रेंकल डिफेक्ट फ्रेंकल डिफेक्ट में थोड़ा सा हीट करने पर कैटाइंस अपनी पोजिशन से स्किप या स्लिप होकर कहाँ जाते हैं इंटेस्टिशियल वर्ल्ड में तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर फ्रेंकल डिफेक्ट जिसमें केटाइन अपनी पोजिशन छोड़कर इंटेस्टिशियल साइड या वॉइड्स में आ जाएंगे सो आंसर विल बी टू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का आंसर सेकेंड